वेल रोस्टिंग बोलते ही किसकी याद आती है, कैरी मिनाटी, प्यूडीपाई या फिर बीबीजे रिप्लाई टू हु केयर्स। सो टर्न द इंट्रो ऑन एंड लेट्स बिगिन दिस नॉर्ड मी शो। सो बिफोर आई स्टार्टेड दिस वीडियो, ये वीडियो एक्चुअली मैं चौथा बंदा हूँ जो रोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कैरी मिनाटी ने यलगर निकाला, उसके ऊपर हु केयर्स ने रिप्लाई किया, हु केयर्स को बीबीजे ने रिप्लाई किया, अब मैं बीबीजे को रिप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली रिप्लाई नहीं, क्योंकि मैं कैरी मिनाटी को रोस्ट नहीं कर रहा भाई, ये चूतिया ने कैरी मिनाटी को रोस्ट किया। What the fuck? Like, किसी को भी चूतिया बुला लो। Who told him that it's a nice looking shirt? It looks fucking retarded, man. What the hell? But matches with his looks. You know, he's kind of retarded. अबे ये खुद 150 रुपए की टी-शर्ट पहन के अपने आप को नवाब का 14 समझ रही है और क्या? अब सुनो मेरी बात। Criticism और abusing में फर्क होता है। नहीं पता तो गूगल कर ले। Now at that point, who cares ने उसके वीडियो में कोई गाली नहीं दिया था। अब मुझे पता है कि वेंचो तुम देखोगे नहीं, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि इतना आलसी तो तुम हो ही। अगर तू 20-25 साल पहले होता सेम एज का और 12वीं फेल होता, nobody would give a fuck about। अबे 12th फेल और स्कूल छोड़ने में बहुत फर्क होता है। ये सही कहा आपने, लाइट बंद करना खुद से और बिजली चली जाना दोनों सेम नहीं होता, लेकिन घर जरूर अंधेरा ही होता है। काम धंधा कर ले रहा, तू क्यों बेरोजगार फिर रहा है, तू क्यों कैरी के नाम पे व्यूज छाप रहा है? ओके, टाइटल पे देखो, अबे मेरे वीडियो पे नहीं उसके वीडियो पे। भाई ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई भाई, जो हम करे तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला हो। लाइक ब्रो, हु केयर्स ने कैरी के मम्मी पापा को कुछ नहीं कहा था, उसने बस उसको क्या खामियां है उसमें या फिर क्या गलत किया था वो उसने बताया था, लेकिन आपने तो उसको मम्मी को घुसेर दिया भाई, ये कैसी बात हो गई? द्वारा सचिन रिटार्ड पब्लिक पे ही डालेगा ताकि हम लोग भी सुन सके। और दूसरी चीज मेरे भाई, एक बात समझ ले, अगर तेरे पास जरा सा भी दिमाग हो तो म्यूजिक जो है ना सब्जेक्टिव होता है, तो जो लोगों को पसंद आ रहा जरूरी नहीं कि वो तुझे पसंद आए, और जो तुझे पसंद आ रहा जरूरी नहीं कि वो लोगों को पसंद आए। वही तो आपकी ऑडियंस है, वरना आपके ये गाली देने वाला और 0 IQ वाला वीडियो कोई नहीं देखता। ऐसे जियो यूजर्स आर एवरीवेयर। एंचोद रिवर्ब बोला, म्यूजिशियन वाले वर्ड्स बोल रहा, बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा है। आओ जरा देख लेते हैं इसका भी गाना कि ये कैसे गाने गाता है। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले घटिया तुम चद्दर तान के सो जाओ। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। ओके बेबी, जब ये सुनो, ये जो गाना था ये ओरिजिनली पूजा का था, ये सबको पता है। तो चैलेंज ये था कि उसके गाना से भी बेहतर गाना बनाने का, वही हु केयर्स ने किया। तो भाई ये काम कर, तू अपने कान नहीं उससे पहले अपनी जवान पे हारपिक डाल ले, क्योंकि इतनी देर से तेरी जवान सिर्फ और सिर्फ गंध आग रही है। अब अगर इस वीडियो में मैंने तुम्हारे फैमिली को कुछ भी बोल दिया तो तुम तो मेरी हालत कैप्टन एमडी की तरह करोगे। खेलती है, लेकिन तुम लोगों ने तो इसकी गांड के साथ खेल लिया, जब मर्जी जिसको मर्जी लेके चला जा रहा है। लाइक और कमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि भाई तुम लोगों ने इसकी यहाँ भी ले ली है। तो बस यार जान, अगर लाइक और डिसलाइक मैटर करता तो जस्टिन की बेबी गाने के डिसलाइक एक टाइम में ज्यादा थे लाइक से, एंड यूट्यूब डज नॉट टेक इट सीरियसली, तो उतना मैटर नहीं करता कि लाइक और डिसलाइक से क्या फर्क पड़ता है। बहनचोद, जब तक डिसलाइक नहीं आएंगे तब तुम तुम्हारी खुद की अंदर की खामियां कैसे समझोगे? बैकग्राउंड में 2 गिटार रख दे तो लोग सोचते हैं कि तुम सिंगर हो, जैसे कि इस भोसड़ी वाले ने किया था। ओके, तुम्हारी ये बात कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि डेवी 504 को अगर तुम जानते हो तो उसके भी बैकग्राउंड में शायद गिटार लगाया होता है, लेकिन गाना नहीं गाता वो बेस बजाता है। लेकिन रियलिटी में सच बताऊं तो ये बरातों में जाके 100-100 रुपए में गाने गाता है। अब 100 रुपए की बात आई तो भुवन बाम एक टाइप पे बार में गाना गाता था। गाता ले मेरा दिल तमाजा दिल, तू ही माजी मंदिर। सो दैट्स नॉट मैटर, इतना कैंसर तुम्हारी ऑडियंस कैसे लेती है, कैसे?